क्या आप भी अपनी वीडियो के लिए एनिमेशन, कलर करेक्शन, ग्राफिक्स एंड क्रोमा की जैसे कई टूल्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये वीडियो काइनमास्टर की एक फुल वीडियो एडिटिंग कोर्स है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि आप कैसे अपनी वीडियो को काइनमास्टर से एडिट कर सकते हैं। फालतू का टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने स्टेप को स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। काइनमास्टर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप अपनी वीडियो को प्रोफेशनल बना सकते हैं, यानी कि एक अच्छे ढंग से अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, एनिमेशन लगाना हो, म्यूजिक ऐड करना हो, सबटाइटल या फिर और भी बहुत कुछ आपको काइनमास्टर के अंदर मिल जाता है। पर यूज कैसे कैसे करना है आज हम आपको बताएंगे। काइनमास्टर को इंस्टॉल कैसे करना है? देखो, अगर आप एंड्रॉइड फोन यूजर हैं तो सिंपल आपको प्ले स्टोर पे जाके काइनमास्टर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, और अगर आप आईफोन यूजर हैं तो सिंपल है, आप ऐप स्टोर पे जाएंगे और काइनमास्टर को इंस्टॉल कर लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे एंड्रॉइड टैब यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाता हूँ और सीधे ही सर्च करता हूँ काइनमास्टर, तो ये एप्लीकेशन हमारे सामने आ जाएगी। अभी आप देख सकते हैं ये जो है हमारे टैब में पहले से ही इंस्टॉल है, तो हम इसको अपडेट अभी नहीं कर रहे हैं, आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है। अब हम जानेंगे कि हम अपनी वीडियो को काइनमास्टर में इंपोर्ट कैसे करें। उसके लिए आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले बटन पर क्लिक करना है, जिस भी साइज में आपने अपना वीडियो रिकॉर्ड किया है, जैसे कि यहाँ पे 16:9 रेशो वाला साइज है, आप अगर इसमें अपनी वीडियो को एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको ही सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपके पास 9:16 रेशो वाली वीडियो है जो आपने रिकॉर्ड की है तो आप दूसरे साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे 16:9 रेशो वाला जो साइज है इसको ही सेलेक्ट करूंगा। साइज सेलेक्ट करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे कुछ भी मतलब नाम दे देना है, जैसे कि मैं फिलहाल यहाँ पे डेमो लिख देता हूँ, आप इसकी जगह कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपके सामने आपके फोन की गैलरी खुल जाएगी, जैसा अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। गैलरी खुल जाने के बाद आपको यहाँ पे उस वीडियो को सेलेक्ट करना है जिस वीडियो को आप एडिट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। देखो, इस तरह से आप जाएंगे और उस पर क्लिक कर देंगे, आपकी वीडियो टाइमलाइन पे इंपोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप जो है इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो टाइमलाइन पे आ चुकी है जो आपने रिकॉर्ड की थी। अब इस स्टेप में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी वीडियो की कटिंग यानी कि गलत पार्ट को कैसे निकाल सकते हैं। आप सभी को पता है, अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो एक दो जगह पर तो गलत हो ही जाता है, आप उन क्लिप को कैसे काट सकते हैं, चाहे वो क्लिप बीच में हो, स्टार्टिंग में हो या फिर लास्ट में हो, आपको यही बताऊंगा इस स्टेप में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो वीडियो है, अगर आपको लग रहा है कि ये आगे का जो क्लिप है ये हमारा गलत हो चुका है, तो यहाँ पर आपको जो है इस वीडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रिम और स्प्लिट के नाम से एक कैंची का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। हाँ, लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलते हैं आपको, अगर आपका ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट है तो ये ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे लिस्ट वाइज, अगर आपका ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट है तो ये ऑप्शंस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, तो मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके रखा है, तो आप भी यही सेलेक्ट करेंगे तो आपको मेरी ही तरह बिल्कुल सेम टू सेम ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पर आने के बाद अब आपको ट्रिम टू स्प्लिट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर जो है बिल्कुल साफ साफ दिखाया गया है, बहुत ही ईजी है, बस आपको समझना है। यहाँ पर आपको आगे वाला क्लिप अगर ट्रिम करना है, काटना है या फिर हटाना है, तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो बटन दिखाई दे रहा है ट्रिम लेफ्ट, ट्रिम लेफ्ट का मतलब ये है कि लेफ्ट वाला जो हिस्सा है वो ट्रिम हो जाएगा, कट जाएगा, कह सकते हैं कि हट जाएगा। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो आगे वाला हिस्सा था वो यहाँ से कट गया है,
अब हमारी वीडियो यहाँ से प्ले होगी यहाँ से। उसके बाद अगर आपको इधर की साइड यानी कि राइट वाली साइड का अगर आपको क्लिप काटना है, यानी कि समझ लीजिए कि इधर का क्लिप हमारा गलत हो चुका है और आपको इसको हटाना है, तो उसके लिए आपको इसी पे क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद फिर से यहीं पे स्प्लिट वाला जो बटन आपको कैंची का दिखाई दे रहा है इस पे आएंगे। इस पे आने के बाद ट्रिम राइट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इधर वाली वीडियो यानी कि राइट वाली वीडियो भी कट चुकी है। इस तरह से तो आप काट सकते हैं वीडियो का अगला और पिछला भाग। अब बात आती है बीच के भाग काटने की। तो आपको मान लीजिए कि यहाँ पे आपका बीच में कुछ गलत हो गया है, तो आपको उसको हटाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो वही ऑप्शंस आपको मिल जाता है तीसरे नंबर पे स्प्लिट का। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो दो भाग में डिवाइड हो जाएगी, जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से ये वीडियो कट चुकी है। अब कटने के बाद ऐसा समझ लीजिए कि इस बिचाले वाले भाग में हमारी ये जो है स्टार्टिंग की इतनी वीडियो गलत हो चुकी थी, तो अब वहीं पे जाना है और जितनी वीडियो बीच से गलत हुई थी उसको राइट से या फिर लेफ्ट से ट्रिम कर देना है जहाँ पर भी गलत थी। अब बीच में यहाँ पे ये वाली वीडियो मान लीजिए गलत है, तो मैं यहाँ पे जाने के बाद ट्रिम लेफ्ट वाले बटन पे क्लिक करके बीच का गलत वाला पार्ट जो है डिलीट कर दूंगा, जैसे कि अभी मैंने किया। अभी यहाँ पे मैं एक बार और आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये वीडियो यहाँ पे गलत है बीच में, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ट्रिम स्प्लिट वाले बटन पे जाता हूँ और स्प्लिट करके बीच से इसके दो भाग कर लेता हूँ। अब यहाँ पे टोटल तीन भाग हो चुके हैं। अब इस भाग में जो है यहाँ पर ये पिछला वाला भाग जो है गलत है, तो आपको जो है मतलब कि इधर वाला पार्ट अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और इधर वाला पार्ट यानी कि लास्ट वाला पार्ट डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखो मैं लेफ़्ट वाला पार्ट ये वाला पार्ट काटने वाला हूं, तो मैं यहां पर ट्रिम लेफ़्ट वाले बटन पे क्लिक करके इस तरह से काट दूंगा। ये बहुत ही सिंपल था, आपको समझ में आ ही गया होगा। स्टेप नंबर 5, इसमें हम सीखेंगे कि अपने वीडियो के कटे हुए क्लिप के बीच में हम कैसे एनिमेशन लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अभी जैसा कि आपको पता है हमने इस वीडियो के तीन भाग किए थे, वीडियो स्प्लिट यानी कि हटाने के लिए तीन भाग किए थे। अब बीच में यहाँ पे एनिमेशन कैसे लगा सकते हैं, जो वीडियो कटी हुई है, जो वीडियो मतलब कि हमने 20 से तीन पार्ट किए थे उसके बीच में हम एनिमेशन कैसे यूज करें ताकि हमारी वीडियो और ज़्यादा अच्छी लगे। तो उसके लिए देखो गाइज, आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस वाले बटन पे जो बीच में आ रहा है सेंटर में। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, एनिमेशंस मिल जाती हैं, जैसे भी आप लगाना चाहते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं क्लासिक ट्रांजिशंस को क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इस वाली एनिमेशन को अगर सेलेक्ट करूँगा तो ये इस तरह से वर्क करने लगेगी, जैसा अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आगे वाले बटन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे जो बीच में कट आ रहा है, और यहाँ पर अगर मैं दूसरी एनिमेशन यूज करना चाहूँ तो मैं दूसरी भी कर सकता हूँ। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे वैसे तो ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट काइनमास्टर के अंदर मुझे एक चीज़ यही बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि यहाँ पे और भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं इन एनिमेशन को डाउनलोड करने के लिए। वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग एनिमेशन और अलग अलग चीज़ें, वो मैं लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिए, वो भी मैं सब कुछ इस वीडियो एडिटिंग के कोर्स में कवर करने वाला हूँ, आपको बताऊँगा सब कुछ धीरे धीरे। तो यहाँ पर इस तरह से आप कोई भी एनिमेशन यूज कर सकते हैं, आप इस तरह से एनिमेशन मतलब लगा सकते हैं। अब हम अगले स्टेप की ओर चलते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी वीडियो को एडिट करने के बाद हम कोई भी म्यूजिक कैसे ऐड करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो सिंपल, यहाँ पे आपको ऑडियो का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। ऑडियो वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोन की गैलरी आपके सामने निकल के आ जाएगी, कुछ ऑप्शंस आपको इधर साइड में भी दिखाई देने लगेंगे। आपको जो है यहाँ पर उस फोल्डर में जाना है जिसमें आपका म्यूजिक पड़ा हुआ है जो आप अपनी वीडियो में यूज करना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ पे फोल्डर्स वाले बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वीडियो एडिटिंग मटेरियल वाले उसमें एक सेस और पेस नाम से एक म्यूजिक है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप इसको प्ले करके भी देख सकते हैं, नहीं तो आप जो है प्लस के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने किया अभी। ठीक है, यहाँ पे ऐड करने के बाद अभी समझते हैं उसी तरह से।
यहाँ पे आप जो है इस म्यूजिक को इस जगह से स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी वीडियो में, तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रिम और स्प्लिट का एक बटन और दिखाई दे जाता है, तो आपको जो है इस पर क्लिक करना है और आगे यानी कि ट्रिम लेफ्ट वाला म्यूजिक डिलीट कर देंगे। अब म्यूजिक आपका यहाँ से स्टार्ट होएगा जहाँ से आपने छोड़ा है, जहाँ से आपने डिलीट किया है, जितना पार्ट आप डिलीट कर चुके हैं वो आपको नहीं सुनाई देगा। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके रखना है और ये जो है इस तरह से आप आगे को रख सकते हैं। अब समझ लीजिए कि यहाँ तक आपको अपने म्यूजिक को चलाना है, तो सिंपल आपको फिर से इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ट्रिम और स्प्लिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ट्रिम लाइट वाले बटन पर क्लिक करते ही इधर का पार्ट भी डिलीट हो जाएगा। अब ये म्यूजिक सिर्फ यहीं तक चलेगा जहाँ तक आपने छोड़ा है। तो इस तरह से आप अपने बैकग्राउंड म्यूजिक की कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन रुको, अभी यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी हैं जो म्यूजिक के साथ आपको यूज करने हैं। तो सिंपल अब आपको क्या करना है, इस म्यूजिक को समझ लीजिए इतना आपको यूज करना है, और अगर आप इस म्यूजिक को बार बार यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है। देखो, म्यूजिक बार बार यूज करने के लिए सिंपल सा एक स्टेप है, या तो आप उसको फॉलो कर लीजिए या फिर मैं जो आपको बता रहा हूँ डुप्लीकेट करने वाला सिस्टम, या फिर आप उसको अप्लाई कीजिए। तो देखो, दोनों ही ऑप्शंस बताऊँगा। वीडियो में आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ी लॉन्ग भले ही वीडियो हो जाएगी लेकिन एक एक चीज़ आपको बिल्कुल बारीकी से बता के चलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप अपनी वीडियो के बराबर इस म्यूजिक को रिपीट करना चाहते हैं, दोबारा से प्ले करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इस म्यूजिक पे प्ले मतलब क्लिक करना है और यहाँ पे एक लूप वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। लूप वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लूप टू एंड, जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे लूप टू एंड वाले ऑप्शंस पे, तो ये जो म्यूजिक आपने छोड़ा था, जो छोटा सा म्यूजिक छोड़ा था, वो आपकी पूरी वीडियो में बार बार रिपीट होता रहेगा, वो वहीं से स्टार्ट होके वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, दोबारा से फिर वहीं से स्टार्ट होके फिर दोबारा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से जो है आपकी पूरी वीडियो में ये म्यूजिक चलता रहेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो एक और ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, इन दोनों को यहाँ से अनक्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, इस म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाएंगे थ्री डॉट पे, और यहाँ पे डुप्लीकेट का एक ऑप्शन मिल जाता है, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद आप नीचे वाले डुप्लीकेट म्यूजिक को आगे इस तरह से लेकर के आ सकते हैं और ऐसे आप रख सकते हैं और बचे हुए म्यूजिक को उसी तरह से काट सकते हैं जैसा अभी आपने यहाँ पर देखा। सिंपल है। अभी जो है आपको कुछ और चीज़ें बताते हैं। यहाँ पर आपको मिक्सर के लिए स्पीकर मिल जाता है, अगर आप इसमें डबल आवाज़ को मिक्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे कुछ इतने ज़्यादा काम की नहीं है, ये जो है सॉन्ग वगैरह में कुछ ज़्यादा काम आती है, तो इसके बारे में अभी हम छोड़ते हैं। तो चलिए यहाँ से बैक करते हैं। EQ, यहाँ से आप अपनी आवाज़ को अलग अलग तरह की आवाज़ में बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट आपकी आवाज़ में, आपके म्यूजिक में लग जाएंगे अगर आप इनका यूज करते हैं तो। चलिए पीछे बैक करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो है वॉल्यूम इनवेलप का जो ऑप्शंस है, ये आखिर क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये कभी कभी बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी समझिए कि आपको अपनी वीडियो में कहीं पे म्यूजिक स्लो रखना है तो कहीं पे ऑटोमेटिक फास्ट हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ सिस्टम करना है। तो सिंपल है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ तक आपने ये म्यूजिक बिल्कुल इक्वल साउंड में चलाया, अब आप इसको कम करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, एक डॉट यहाँ पे लग जाएगा जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपको आगे की ओर स्क्रॉल करना है ऐसे, और यहाँ पे 100% जो आपको दिखाई दे रहा है कम करने के लिए इसको घटा लेंगे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो धागा सा आपको दिखाई दे रहा है ये डाउन हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रहा है। तो अभी क्या होगा, यहाँ से लेकर के पहले वाले डॉट से लेकर के जो धागा डाउन हुआ है यहाँ तक, इसके साउंड कम होते चले जाएंगे।
अब आप आगे की ओर करेंगे और यहाँ से मतलब आप जो है साउंड को बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपल आप जो है इसको 100 से ऊपर भी लेके जा सकते हैं, 200 तक लेके जा सकते हैं इसको आप। तो ये साउंड यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे तो स्टार्टिंग में तो इक्वल चलेगा और यहाँ पे इक्वल चलने के बाद थोड़ा डाउन हो जाएगा जहाँ पे आपने कम कर दिया है, और फिर यहाँ से जो है आपने पूरा 200% वॉल्यूम कर दिया है। तो इस तरह से आप इनवॉल्व का यूज करके यहाँ पर अपने म्यूजिक को स्लो डाउन कर सकते हैं, जैसा अभी आपको मैंने बताया। तो इस स्टेप में हम जानेंगे कि हम अपनी वीडियो को सर्किल में लगा के कैसे यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारी जगहों पर देखा जा रहा है, इंस्टाग्राम या फिर रील वगैरह कहीं पे भी, फेसबुक पे चल रही हैं कि एक सर्किल में वीडियो आता है और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और वो काफ़ी अच्छा सा लगता है, तो आप वो कैसे लगा सकते हैं अभी समझते हैं। अगर आप छोटे साइज की वीडियो में यानी कि रील्स जैसे बनती है उस साइज की वीडियो में सर्किल वाली वीडियो लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम तरीके से आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से बैक करता हूँ, बैक करने के बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से 9:16 रेशियो वाले साइज को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्किल। यहाँ पे लिखना वैसे मैंडेटरी नहीं है, मतलब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है लिखना, लेकिन अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं जो जिससे आप ही समझ पाएँ। तो मैंने सर्किल यहाँ पे लिख दिया है, अब राइट क्लिक करते हैं और क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हमको एक वीडियो इम्पोर्ट करनी होगी जिस वीडियो के ऊपर हम सर्किल लगाना चाहते हैं, तो चलिए एक वीडियो को यहाँ पे हम इम्पोर्ट करते हैं। तो अभी देखिए गाइज, मैंने अपनी ही एक वीडियो यहाँ पे इम्पोर्ट कर ली है। अब हम एक सर्किल में वीडियो भी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको क्या करना है, उसके लिए फिर आपको लेयर वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर से एक मीडिया का ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे, उस वीडियो को लेकर आएंगे जो आप अब आप मतलब सर्किल में चलाना चाहते हैं। तो सर्किल वाली वीडियो को हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि समझिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे सर्किल में चलाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जो है ये वीडियो एक वीडियो के ऊपर आ चुकी है, तो अब हमें इस वीडियो को सर्किल में लगाना है। तो सर्किल में लगाने के लिए आपको ऊपर वाली वीडियो को क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे इस ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शंस निकल के आएगा क्रॉपिंग का, तो आपको क्रॉपिंग वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे मास्क वाले ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। इस तरह से इनेबल करने के बाद शेप जो है यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे ये सर्किल वाला जो शेप आपको दिखाई दे रहा है इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बैक वाले बटन पे क्लिक करेंगे और इसको जो है यहाँ पे बिल्कुल गोल कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसको जो यहाँ पे एक रेड लाइन आ चुकी है, तो ये बिल्कुल सर्किल गोल हो चुका है। अब हम इस वीडियो को यहाँ पे इस तरह से ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको सेम टू सेम करना है, बाकी कुछ भी चेंजेस आपको यहाँ पे नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सर्किल गोल हो चुका है और इस वीडियो को मैंने यहाँ पे सेंटर कर लिया है, मतलब जो आप सर्किल में दिखाना चाहते हैं वही आपको यहाँ पे सेंटर करना है। यहाँ पे सेंटर करने के बाद आपको बैक कर लेना है और ये आप देख सकते हैं ये सर्किल में ये वाला वीडियो यहाँ पे आ चुका है, ये वीडियो यहाँ पे आ चुका है। आप इसको जो है यहाँ से छोटा बड़ा सर्किल कर सकते हैं। चलिए मैं इस साइज में यहाँ पे सर्किल करके और यहाँ पे रख देता हूँ इसको, तो अभी ये बिल्कुल ठीक चल रही है, इस तरह से आप लगा पाएंगे। इस स्टेप में हम जानेंगे कि हम अपनी वीडियो में स्टिकर्स कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छे अच्छे स्टिकर्स हमें जो है इस एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाते हैं, उन स्टिकर्स को हम अपनी वीडियो में कैसे ऐड कर पाएंगे, तो उसके लिए जो है हमें बड़े प्रोजेक्ट पे चल रहे हैं फिलहाल, आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बड़े वाले प्रोजेक्ट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे गाइस मैं पहले वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ जिसमें हमने 3 क्लिप कर लिए थे पहले ही। तो चलिए यहाँ पे आने के बाद हमें यूज करने हैं स्टिकर, तो स्टिकर यूज करने के लिए लेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाता है ऊपर से तीसरे नंबर पर स्टिकर का, स्टिकर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ स्टिकर्स पहले से ही मिल जाएंगे और आप जो है यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के स्टिकर्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3D सोशल मीडिया आइकन्स, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अभी समझ लीजिए कि इन मतलब ये जो स्टिकर हैं ये सोशल मीडिया आइकन्स हैं जो मैंने डाउनलोड किए हैं काइनमास्टर में,
तो यहाँ पे आपको जो है सब्सक्राइब जो है मतलब कि यूज करना है स्टिकर। तो इस तरह से आप ऐड करके इसका साइज मेंटेन करके कहीं पे भी रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3D है तो ये वर्क भी कर रहा है, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है और इससे जो है आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल भी लगेगी। अभी जैसे कि आप समझ लीजिए कि दूसरा स्टिकर आपको यहाँ पे यूज करना है, फिर से लेयर पे जाएंगे और स्टिकर वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे 3D पे फिर आ जाएंगे और आप यहाँ पे शेयर लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप शेयर बटन को भी लगा सकते हैं, बहुत ईजी है। और आगे आप अलग प्रकार का कोई स्टिकर यूज करना चाह रहे हैं तो वहीं पर जाएंगे और यहाँ पर आप और भी स्टिकर ये मैंने डाउनलोड किए थे, जैसे कि यहाँ पर ये चाय वाला चाय कप प्लेट यहाँ पे है, तो इस तरह से आप ऐड करके कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इस स्टेप में हम जानेंगे कि हम अपनी वीडियो में तरह तरह के टेक्स्ट कैसे यूज कर सकते हैं, तरह तरह के टेक्स्ट कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मान लीजिए आपको अपनी वीडियो में यहाँ पर टेक्स्ट लगाने हैं, तो टेक्स्ट लगाने के लिए आपको यहाँ पे लेयर वाले बटन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर से चौथे नंबर पे टेक्स्ट का बटन मिल जाता है, टेक्स्ट। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे जैसे कि लिख देता हूँ सब्सक्राइब, लिखना है हमें सब्सक्राइब। जो भी आपको लिखना है टेक्स्ट में, आपको जो भी लिखना है वो आप यहीं पर लिख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सब्सक्राइब लिख लिया है और सब्सक्राइब लिखने के बाद ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ओके वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये टेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये जो है आपकी वीडियो के ऊपर आ चुका है। आपको इसको थोड़ा सा मतलब कि डिज़ाइन में करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है सब कुछ बताऊँगा। यहाँ पर ये टेक्स्ट है, इसका साइज जो है आप इस तरह से घटा बढ़ा सकते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आप इस तरह से घटा बढ़ा सकते हैं। बट यहाँ पर हमें कलर में मज़ा नहीं आ रहा है, तो कलर जो है बदलने के लिए आप यहाँ पे कलर वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो है रेड कलर जो है सेलेक्ट कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैं जो है येलो कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। येलो सेलेक्ट करके मैं राइट क्लिक कर देता हूँ। राइट क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो ये जो है बिल्कुल येलो हो जाएगा, जैसा अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब आपको इसका फोंड चेंज करना है, क्योंकि हमें फोंड ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो फोंड चेंज करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे तरह तरह के फोंड मिल जाएंगे, डाउनलोड भी कर सकते हैं, सब कुछ बाद में आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे फोंड हैं, यहाँ पर आपको और भी फोंड मिल जाएंगे, बट मैं यहीं से एक फोंड सेलेक्ट करके काम चला लेता हूँ। आप जो है कोई भी फोंड यहाँ पे ऐड भी कर पाएंगे, यहाँ पे ये वाला फोंड जो है ऐड कर लेता हूँ और यहाँ से मैं राइट क्लिक कर देता हूँ। देखो, ये फोंड जो है काफ़ी हद तक चेंज हो गया, मतलब बिल्कुल चेंज ही हो गया है, जो हमने सेलेक्ट किया है ना ये उसी फोंड में लिखा गया है यहाँ पे। और अब जो है हमें यहाँ पे इसको स्ट्रोक वगैरह देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मिल जाता है आउटलाइन का ऑप्शंस, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको इनेबल करेंगे यहीं से इस बटन से, तो ये ब्लैक आ रहा है आउटलाइन, यानी कि स्ट्रोक कह सकते हैं या फिर आउटलाइन कह सकते हैं, ये जो है ब्लैक आ रहा है। हम इसको चेंज करके रेड करेंगे। अब रेड किया तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो हम इसको बढ़ा लेंगे, ये हमने पूरा प्लस 48 कर दिया है, आप देख सकते हैं 48 कर दिया है हमने प्लस। और यहाँ पर हम जो है इसको बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद अब जो हम इसको ग्रो देंगे, ग्रो यानी कि थोड़ा ये थोड़ा सा ब्लर सा दिखाई दे बैकग्राउंड में, इसके एक कलर और ऐड होगा, तो यहाँ पे इसको भी इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद येलो कलर पहले से सेलेक्ट है, चलो येलो ही यहाँ पे रहने देते हैं, वरना आप जो है ग्रो के लिए भी यहाँ पे कलर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे येलो ही रहने देता हूँ। यहाँ पे स्प्रीड बढ़ाएंगे, यहाँ पे देखो स्प्रीड बढ़ गई। अब यहाँ पे साइज जो है बढ़ा देंगे, तो इस तरह से ये कलर हो जाएगा, आप अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं, मैंने ये कंप्लीट बढ़ा दिया था, तो अभी आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट भी लगा करके एडिट कर सकते हैं, इस तरह से आप उसके जो है आउटलाइन या फिर ग्रो लगा करके अपने टेक्स्ट को काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे टेक्स्ट ये लग चुका है। अगर आप ऐसे ऐसे टेक्स्ट कई सारे यूज करना चाहते हैं अपनी वीडियो में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको जो है इसको पहले साइज को मेंटेन कर लेंगे, जैसे जो भी साइज मतलब आप इसका रखना चाह रहे हैं। साइज मेंटेन करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से डुप्लीकेट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। देखो,
एक ही क्लिक में यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया, और इसको जो है आप मतलब इसका नाम आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया शेयर मतलब सब्सक्राइब हो गया। मुझे यहाँ पे दूसरा वाला टेक्स्ट जो है ये अगर मुझे शेयर का लिखना है तो इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पे एडिट पे जाऊँगा और सब्सक्राइब की जगह मैं यहाँ पे शेयर लिख दूँगा। चलिए मैं शेयर लिख देता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे शेयर लिख दिया और ओके कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे ये शेयर में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब एक बार आपको एडिट करना है, डिज़ाइन करना है टेक्स्ट, और फिर जो है आप उसका टेक्स्ट चेंज कर करके बहुत सारे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही अच्छे से मतलब ये एडिट यहाँ पे टेक्स्ट हो जाता है, जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा। तो अब हम अगले स्टेप की ओर चलते हैं। इस स्टेप में हम जानेंगे कि हम अपनी ग्रीन स्क्रीन में शूट की गई वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि ग्रीन पर्दे पर अगर हमने कोई वीडियो शूट की है या फिर ग्रीन पर्दे पे कोई वीडियो है तो हम उसके बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो यही इस स्टेप में हम जानने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आपको एक नया प्रोजेक्ट लेना होगा उसके लिए, या फिर आप पुराने पे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मीडिया वाले बटन पे जाके मैं यहाँ पर एक एसेट कलर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, और ये कलर लेने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब हमें एक वीडियो चाहिए ग्रीन स्क्रीन वाली, जिसका हमें बैकग्राउंड चेंज करना है। उसके लिए आप लेयर वाले बटन पे जाएंगे और मीडिया वाले बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को इम्पोर्ट करेंगे जिसका आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वीडियो एसेट्स में मैंने एक वीडियो डाली हुई है, यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये वीडियो ऐड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, ये ग्रीन वाला जो बैकग्राउंड है ये यहाँ से रिमूव करना है, तो ये इजीली हो जाएगा। अगर आप इसके सामने खड़े हुए होते तो भी ये रिमूव हो जाता, लेकिन ये मैंने इंटरनेट से ही डाउनलोड की है वीडियो, इसीलिए यहाँ पर कुछ इस तरह से है। आपकी वीडियो अगर शूट की हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वीडियो भी उसी तरह से मतलब यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, जैसा कि मैं यहाँ पे अब कर रहा हूँ। तो आपको जो है वीडियो इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे उस वीडियो पे क्लिक करना है जिसका बैकग्राउंड आपको चेंज करना है। सिंपल, आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर की ओर आ जाना है और एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, इस पर आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर इसको इनेबल कर देंगे। ये देखिए ग्रीन स्क्रीन यानी कि ग्रीन जो इसमें कलर था वो सारा यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब ये पिछला वाला बैकग्राउंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम एक डिज़ाइन कर सकते हैं हल्का सा, उसके लिए हम जो है यहाँ से बैक करते हैं, और बैक करने के बाद पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्रोमा की पे आने के बाद अगर आपका एडजस्टमेंट थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो एडजस्ट भी कर सकते हैं आप। देखो यहाँ पर आपको जो है 50% हो रहा है, तो आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा से, जैसे कि मैंने यहाँ पे घटा लिया है, और भी ज़्यादा स्मूथ ये हो गया है, तो आप ये कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से बैक करता हूँ, और बैक करने के बाद मैं आपको एक डिज़ाइन बना करके दिखाता हूँ अपनी तरफ से, मेरे दिमाग में कुछ आया जो है। तो यहाँ पर लेयर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मीडिया वाले बटन पर आ जाते हैं। मीडिया वाले बटन पे आने के बाद यहाँ पर आपको एक फ़ोटो को ऐड कर लेना है, तो कोई भी फ़ोटो ऐड कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे चलिए ये एक थंबनेल मैंने बनाई थी, तो मैं यहाँ पर इस थंबनेल को ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद जो ये हमारा मतलब बीच में सर ये जो कह सकते हैं ये स्पेस था ग्रीन स्क्रीन वाला, इसके जैसा बिल्कुल सेम कर लेंगे, सेम मतलब कि अब उसमें उस फ्रेम में आ चुका है ये फ़ोटो। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको करना ये है कि इस फ़ोटो को क्लिक करके आपको जो है यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है और सेंड टू बैक वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अभी आप देखेंगे कि ये यहाँ पे बैक हो चुका है और ये फ़ोटो यहाँ पे फ्रेम में लग चुका है। इस तरह से आप ग्रीन स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। इस स्टेप में हम जानेंगे कि हम अपनी किसी भी वीडियो को कैसे स्लो और फास्ट कर सकते हैं। बहुत इजी है, इसके लिए आपको जो है न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है और यहाँ पर एक साइज को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब सबसे पहले आपको उस वीडियो को यहाँ पे इम्पोर्ट करना है जिसकी स्पीड को आप कम या फिर ज़्यादा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो क्लिप को ऐड कर लेता हूँ। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक वीडियो क्लिप ऐड कर लिया है जो चलने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा।
मैं इसके वॉल्यूम बिल्कुल डाउन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस स्पीड में है। अभी क्या करना है हमें, इसकी स्पीड बढ़ानी है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाता है स्पीड का। स्पीड का ऑप्शंस मिल जाएगा और यहाँ पे नीचे जो है आपको दो ऑप्शंस और मिल जाते हैं। अगर आपको इसकी ऑडियो को बंद करना है इस वीडियो की, तो आप इसको इनेबल कर देंगे, ऑडियो बंद हो जाएगी। इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे ये 1x पे नॉर्मल है, आपने इसको इधर को कर दिया तो ये जो है इसकी स्पीड और भी ज़्यादा स्लो हो चुकी है। ये देखो पहले से इसकी स्पीड काफ़ी स्लो हो चुकी है। चलो और स्लो करके आपको दिखाते हैं। तो हमने जो है फुल यहाँ पे ये स्लो कर दी है। तो अभी प्ले करते हैं तो ये देखिए आपको जो है और भी ज़्यादा स्लो ये चलती हुई दिखाई देगी। लेकिन अभी ये वीडियो स्मूथली तब दिखाई देगी जब आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट करके अपनी गैलरी में सेव कर लेंगे, क्योंकि ये 2x से ज़्यादा स्लो हो चुकी है। जब यहाँ पे काइनमास्टर के अंदर कोई भी वीडियो 2x से ज़्यादा स्लो या फिर फास्ट करते हैं तो वो वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद ही स्मूथ दिखाई देती है। तो चलिए अब हम इसकी स्पीड को बढ़ाना सीखते हैं। बढ़ाने के लिए सिंपल वहीं पे आना है और इस बार जो है आपको इस लाइन को इधर को स्क्रॉल करना है। तो अब ये यहाँ पे 1.5x फास्ट हो चुकी है। अभी आप देखेंगे कि ये वीडियो फास्ट हो चुकी है। अगर आप थोड़ा बहुत और भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फास्ट तो आप इसको बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप जो है इसको अगर और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट करके ही देख सकते हैं। इधर की साइड को आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं और इधर की साइड को करके आप स्पीड को कम कर सकते हैं। स्टेप नंबर 12। इस स्टेप में हम जानेंगे कि हम अपनी वीडियो का कलर करेक्शन या फिर फिल्टर्स कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। पहली वाली वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया है और मीडिया पर जाकर मैं यहाँ पे एक वीडियो इंपोर्ट करूँगा जिसमें फ़िल्टर या फिर मैं कलर करेक्शन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे जो है कुछ ऐसी वीडियो लेनी होगी जिसमें आपको थोड़ा बहुत अंतर आता हुआ दिखाई दे। तो चलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वीडियो कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रही है। फिलहाल वीडियो रील टाइप में बनी हुई है, लेकिन कलर करेक्शन इसमें भी आप कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो का कलर करेक्शन वैसे तो पहले से ही हुआ है, लेकिन जो स्टेप आपको हर बार फॉलो करने होते हैं उन स्टेप के बारे में आपको इस वीडियो पर भी बता देता हूँ। इस वीडियो में कुछ ज़्यादा कलर करेक्शन का फ़र्क शायद ना पड़े, लेकिन फिर भी आपको कुछ तो सीखने को यहाँ से मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं जो है नीचे की ओर आ जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन दिखाई देगा फ़िल्टर का। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। फ़िल्टर पर आने के बाद मुझे जो सबसे अच्छा यहाँ पर फ़िल्टर लगता है वो होता है कोल्ड में, यहाँ पर C02। तो ये जो है पहले से ही मैंने लगा करके रखा था, जो मतलब अब आप नॉर्मल देख सकते हैं। और इसको लगाने के बाद ये कुछ इस तरह का हो जाता है, क्योंकि ये जो है मैंने पहले से ही लगा करके इस पे रखा था। और यहाँ पर अगर हम C1 लगाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। चलिए मैं यहाँ पे C01 वाला ये फ़िल्टर जो है लगा देता हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, यहाँ से आप इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो है लगा करके यहाँ पे मैं 2 वाला ही देख लेता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है, आप भी कर सकते हैं जहाँ पर आपको अच्छा लगता हो। उसके बाद बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट के नाम से एक ऑप्शन आपको और दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे जिनको आप एडजस्ट कर पाएंगे। देखो सबसे पहले आती है ब्राइटनेस, जब आप इसको बढ़ाएंगे तो आपकी वीडियो में ब्राइटनेस बढ़ेगी। उसके बाद आती है यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट, तो इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे सेचुरेशन, ये सारे ऑप्शंस मैं आपको जो है यहाँ पे बढ़ा करके घटा करके दिखा देता हूँ किस किस तरह से आप कर सकते हैं। जहाँ पे आपको जो ऑप्शंस अच्छा लगेगा आप उसी को जो है यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी इच्छा से जो भी घटाना या बढ़ाना चाह रहा हूँ मैं उसको कर सकता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही कम टाइम लगाकर यहाँ पे थोड़ा बहुत कलर करेक्शन और फिल्टर्स यहाँ पे लगा लिए हैं। आपको सिर्फ थोड़ा टाइम यहाँ पे लगाना होगा और अपनी वीडियो में अच्छे अच्छे कलर करेक्शन यहाँ से कर लेने हैं। अब आपको यहाँ पे जो है बैक कर लेना है और आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो
काफ़ी बदल चुकी है पहले के अनुसार। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो में फिल्टर्स लगा सकते हैं या फिर कलर करेक्शन कर सकते हैं। इस स्टेप में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर आप कैसे अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी किसी भी वीडियो में। तो बहुत ही इजी है, समझ लीजिए कि इस वीडियो में आपकी ऑडियो नहीं है, ये हमने इसको बिल्कुल डाउन कर दिया है। अब इस वीडियो में अगर आप कोई ऑडियो डालना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपनी वॉइस को, तो वो भी आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ से आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है वीडियो में, वहीं पे मतलब कि इसको रोकेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से ही करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे रोक लिया है मैंने स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे सबसे नीचे एक रिकॉर्डिंग का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे माइक लगा हुआ है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अलाउ करना होता है सबसे पहले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ यहाँ पे नोट करा रहा है कि आपकी आवाज़ हमें आ रही है। अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो सिंपल आप स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करके अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो भी मैं बोल रहा हूँ आपसे अभी, ये सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे रेड पट्टी सी जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ तक ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और ये चल रही है और मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रही है। अब समझ लीजिए कि आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो आप यहाँ से इसको स्टॉप कर लीजिए। स्टॉप करते ही ये रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो जाएगी। रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड हो चुकी है और हमारे टैब की बैटरी भी लो हो चुकी है, तो अभी जो है हम अपने टैब को चार्जिंग पे लगा लेते हैं और चार्जिंग पे लगाने के बाद हम आपसे अगले स्टेप के बारे में फिर दोबारा बातें करेंगे। लेकिन रुको रुको, इस स्टेप को तो अभी हमें कंप्लीट करना ही है, तो इसीलिए इस स्टेप को हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर ऑडियो आ चुकी है जो आपने रिकॉर्ड की थी। मैं चाहता तो यहाँ पर इसको प्ले करके भी आपको दिखा देता, लेकिन मेरे टैब में यहाँ पे लगा हुआ है माइक, तो मैं आपको इसको प्ले करके नहीं दिखा सकता। तो आप जो है इस माइक वाले बटन पे क्लिक करके अपनी ऑडियो को डायरेक्टली अपनी वीडियो में यहीं पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इस स्टेप में हम जानेंगे कि हम अपनी वीडियो में हैंड राइटिंग यानी कि ड्राइंग कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी वीडियो को इंपोर्ट करना है जिसमें आप हैंड राइटिंग करना चाह रहे हैं। तो हमारी वीडियो पहले से ही इंपोर्ट है, इसी में हम आपको करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लेयर वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शंस मिलेगा हैंड राइटिंग का, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप इस तरह के बॉक्स में हैंड राइटिंग करना चाह रहे हैं तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सर्किल टाइप में चाह रहे हैं तो सर्किल को सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे पहले आपको सर्किल पे दिखा देता हूँ। देखो हैंड राइटिंग हमें करनी है सर्किल में और कलर हमें रखना है रेड, तो रेड यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इरेजर का भी ऑप्शंस मिल जाता है और जो साइज रखना है हमें ये बिल्कुल बारीक वाला रखना है। अब हम यहाँ पे इसको ड्राइंग करके देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही मैंने ड्राइंग किया तो यहाँ पे एक सर्कल बनके तैयार हो गया है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसके साइज को भी आप बढ़ा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे इसकी जो लाइनिंग है वो थोड़ी मोटी हो चुकी है। अगर आप इस तरह का सर्कल मतलब बनाना चाह रहे हैं, इस तरह का कर्व, तो इस प्रकार आप कर पाएंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो मैंने ड्राइंग की है। अब दोबारा से मैं यहाँ पे ड्राइंग पे जाता हूँ और यहाँ से ये वाला मैंने कर्व ले लिया है और अब इसका साइज मैं बारीक कर लेता हूँ। और अगर मैं किसी चीज़ को फोकस करके या फिर बताना चाहता हूँ अपनी वीडियो में कि यहाँ पे ये जो बटन है इस पर क्लिक करना है, इस तरह से कुछ हम जो है व्यूअर को अपने बताते हैं, तो उसको अगर हम सेंटर या फिर फोकस करना चाह रहे हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं अपने फेस पे कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है कर्व वाला ये सर्किल, और सर्किल जो लगाने के बाद आपको यहाँ पे एनिमेशन में आना है और ये वाला एनिमेशन आपको दे देना है। बैक जाना है, आउट एनिमेशन में आना है और आउट एनिमेशन में आपको ये वाला एनिमेशन दे देना है। अब आप यहां से बैक कर लेंगे और इसको आप प्ले करके देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये था ड्राइंग का यहां पे स्टेप।
उम्मीद है कि ये स्टेप भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टेप नंबर 15, इस स्टेप में हम जानेंगे कि हम कैसे ग्राफिक्स या फिर कह सकते हैं इफेक्ट का यूज करके एक नई इंट्रो टाइप वीडियो बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट को मतलब कि क्रिएट करना है। यहाँ पर मैं इस साइज को लेकर के क्रिएट कर लेता हूँ और मैं यहाँ से एक वाइट बैकग्राउंड ले लेता हूँ। ये देखिए आपने, मैंने जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वाइट बैकग्राउंड ले लिया है। अब मैं इस बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ से निकल के आ जाते हैं। यहाँ पे क्लिप ग्राफिक्स का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं एक ग्राफिक आपको यूज करके दिखाने वाला हूँ। ऐसे आपको हजारों ग्राफिक यहाँ पे मिल जाएंगे काइनमास्टर पे, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ कि कैसे आप ग्राफिक्स, इफेक्ट, स्टिकर, एनिमेशन डाउनलोड कर सकते हैं काइनमास्टर के स्टोर से। वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा सब कुछ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कुछ ग्राफिक्स पहले से ही डाउनलोड हैं, जो इनके पॉपुलर हैं या फिर कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट हैं, तो वो जो है यहाँ पे पहले से अवेलेबल है। यहाँ पे एक मैं यूज करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे नीचे बेसिक टाइटल इफेक्ट वाला जो ग्राफिक है, इस पर क्लिक करते हैं। इसके अंदर आपको और भी काफ़ी सारे स्टाइल मिल जाते हैं कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मॉडर्न वाला स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ, ये इस तरह से आपको दिखाएगा। अभी आप यहाँ पे जो है इसके टेक्स्ट को बदल सकते हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले वाले टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ ग्रो, और यहाँ से आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट जो है मैं यहाँ पे फॉन्ट रख देता हूँ, जी मैं यहाँ पे फॉन्ट ले लेता हूँ, एक ये वाला फॉन्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको ओके कर देते हैं। अब इसी प्रकार से सेकंड लाइन में आपको लिखना है जो भी आप लिखना चाहते हैं। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के टाइप पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है टैग और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखो ये इस प्रकार से आपकी जो एनिमेशन है वो इस प्रकार से आपको दिखाई देने लगेगी। इस तरह से आप अपनी इंट्रो भी बना सकते हैं, सिर्फ बहुत ही इजी है। ये एक इंट्रो टाइप ग्राफिक हो गया, इस तरह से आप बना सकते हैं। कोई भी म्यूजिक यहाँ पे ऐड कर देंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये एक टाइप की इंट्रो हो गई, ठीक है। इस तरह से आप ग्राफिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेप में हम जानेंगे कि हम कैसे अपनी वीडियो को फ्रीज कर सकते हैं। जैसे आपने कई वीडियो में देखा होगा वीडियो को फ्रीज करके उनके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसी प्रकार से आप ये काइनमास्टर में कैसे कर पाएंगे। देखो उसके लिए सबसे पहले आपको एक वीडियो को यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। चलिए मैं एक वीडियो को यहाँ पे इम्पोर्ट करता हूँ। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक वीडियो को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया है। इम्पोर्ट करने के बाद मैं यहाँ से इस क्लिप को मतलब डिलीट कर देता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो मुझे नहीं लेनी है यहाँ पे, तो मैंने ये डिलीट कर दिया है। अभी क्या है, हमें इस वीडियो को फ्रीज करना है, यहाँ पर फ्रीज करना है, और यहाँ पे एक टाइटल देके हमें ये इंट्रोड्यूस करना है कि ये मतलब कौन है, इस वीडियो में इनका क्या कैरेक्टर है, एक तरह से इंट्रोड्यूस करना हो गया। तो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको इस वीडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्प्लिट वाली जो कैची वाला बटन है उस पर फिर से आ जाना है। यहाँ पे स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम वाला जो आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, ये वाला क्लिक कर लेंगे। अभी क्या हुआ, यहाँ पे जो है इस वीडियो का स्क्रीन शॉट होकर के यहाँ पे ऐड हो गया है। जैसे कि मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ, तो इस तरह से जब आपकी वीडियो चल रही है तो यहाँ पे ये फ्रीज हो चुकी है, यानी कि एक तरह से पता भी नहीं लगा यहाँ पे कुछ भी, और यहाँ पे ये अटैच भी हो गया, एक तरह से फ्रीज हो गया। तो इस तरह से ही फ्रीज होता है। अभी यहाँ पे हमें टाइटल देना है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, अभी मैं टेक्स्ट में जा करके यहाँ लिख देता हूँ, ये मैंने थोड़ा सा टैक्स लिख लिया है यहाँ पे, और ओके के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे टैक्स ऐड हो गया। अभी टैक्स ऐड होने के बाद आपको फिर से मतलब यहाँ पे इसकी एडिटिंग करनी होगी टैक्स की, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं पहले की तरह। तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आउटलाइन वगैरह मैं सब कुछ यहाँ पे दे देता हूँ। मैंने रेड दिया था और इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा, और बढ़ाने के बाद मैं इसका कलर जो है मैं येलो दे देता हूँ।
तो येलो कलर मैंने दे दिया है इसको। येलो कलर देने के बाद मैं इसकी जो ये आउटलाइन है इसको फुल कर देता हूँ। अभी ग्रो में फिर से जाता हूँ और इसको बढ़ा करके इसको भी बढ़ा देता हूँ। देखो ये टेक्स्ट मैंने फिर से डिज़ाइन कर दिया है। अभी इस टेक्स्ट को अगर हम एनिमेशन देना चाहें तो इन एनिमेशन में जाएंगे, यहाँ पे इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इन एनिमेशन में जाएंगे। तरह तरह के एनिमेशन आपको मिल जाएंगे, पॉप का भी है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या फिर स्लाइड का इस तरह से है, और लेटर बाई लेटर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ पर वाइप भी मिलता है, इस तरह से आप कर सकते हैं या फिर पॉप कर सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने ये दे दिया है। उसके बाद जैसे कि जैसे ही यहाँ वीडियो फ्रीज होगी तो यहाँ पे एक टाइटल आएगा जिसके बारे में, मतलब इसके बारे में इंट्रोड्यूस अगर आपको कराना है तो वो आप कैसे करा सकते हैं। देखो यहाँ से वीडियो प्ले होकर जैसे ही यहाँ पे आएगी तो इस तरह से ये मैं हूँ, इस तरह से यहाँ पे जो है ये आ चुका है सबटाइटल। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो को कहीं पर भी फ्रीज करके वहाँ पे उसके बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बसा सकते हैं, और इस तरह का फ्रीजिंग इफ़ेक्ट जो है ये वीडियो कॉमेडी वीडियो में मतलब ज़्यादा काम में आता है, तो उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है जो फनी या कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। इस स्टेप में हम जानेंगे कि हम अपनी वीडियो में किसी भी इमेज को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, साथ ही उस इमेज को मूविंग इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं और यहाँ पर जो है आपको एक वीडियो इंपोर्ट करनी होगी पहले, जिसमें आपको आसानी से इमेज दिखाई दे जाए, तो अभी मैं कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे वीडियो की जगह एक कलर बैकग्राउंड जो है यहाँ पे ले लिया है, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सिंपल यहाँ पे किसी भी इमेज को इंपोर्ट करने के लिए लेयर वाले बटन पे आना है और यहाँ पर मीडिया वाले जो सबसे ऊपर आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके फ़ोन की गैलरी आपके सामने खुल जाएगी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, और यहाँ से आपको उस इमेज को सेलेक्ट करना है जिस इमेज को आप अपनी वीडियो में लगाना चाहते हैं। तो चलिए मैं किसी भी एक इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूं। तो गाइज फिर से मैंने उसी इमेज को यहां पे इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद आपको इसके साइज को सेलेक्ट करना, मतलब जितना साइज भी आप रखना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपको इस साइज में इस इमेज को यहाँ पर रखना है, एक तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इस इमेज के साथ कुछ भी कर सकते हैं, करना सिर्फ इसी तरह से होगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इमेज यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, जिस तरह से आप वीडियो इंपोर्ट करते हैं वैसे ही इमेज यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, लेयर के बटन पे क्लिक करके सीधा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। उसके बाद आप इस इमेज को किस प्रकार इस वीडियो में लाना चाहते हैं उसके लिए आपको इन एनिमेशन पे जाना है, और यहाँ से आप किसी भी एनिमेशन को दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये वाली एनिमेशन दे दी कि ये इमेज इस तरह से आना चाहिए। इसका साइज़ तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी छोटा कर लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे कितना भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये इफ़ेक्ट यहाँ पे ले लिया है। हाँ, इसको जो है आप फास्ट या फिर स्लो ज़रूर कर पाएंगे, इस तरह से आप स्लो भी कर सकते हैं फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है फास्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैंने इसको फास्ट कर लिया है। अब यहाँ से बैक करते हैं, और ये जब इमेज आपकी वीडियो से जाए तो ये जाए कैसे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आउट एनिमेशन में आना है, यानी कि जब ये आउट हो तो कैसे हो, तो उसके लिए आपको जो है कोई भी एक एनिमेशन सेलेक्ट करनी होगी, जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर करके देख रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको रहने दूंगा। तो यहाँ पे मैं इस वाली एनिमेशन को रहने देता हूँ और इसकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको फास्ट कर लिया है, तो ये जो है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा इमेज यहाँ पे जो आया है। अब ये जाएगा तो ये जाएगा भी इस तरह से, तो इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा हमें बड़ा करना होगा, और एक बार फिर से मैं आपको प्ले करके दिखा दूंगा। आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से इमेज आएगा। अभी यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये नॉर्मल इमेज था, यहाँ पे हम इसके आने के और जाने के एनिमेशन को सेलेक्ट कर चुके हैं। अभी आप इसमें और कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं कलर के लिए, कलर भी आप इसका कुछ भी घटा बढ़ा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे जो है थोड़ा सा सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ पे आकर के आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप कलर ग्रेडिंग वहाँ पे वीडियो में कर पा रहे थे, ऐसे आप इस इमेज में भी कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा फीचर है। तो आप अपने इमेज में कर सकते हैं एडजस्टमेंट, और अगर आप इस इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं तो अलग अलग शेप में इस इमेज को आप क्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस इमेज को भी इस तरह के इफ़ेक्ट में क्रॉप करना चाह रहे हैं, या फिर सर्कल टाइप, या फिर इस तरह के डिज़ाइन में, तो
तो आप किसी भी तरह के डिज़ाइन में यहाँ पर इसको आसानी से कर सकते हैं बस एक क्लिक में। इस तरह से गाइज आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है यहाँ पर इस वाले सर्किल वाले डिज़ाइन में रहने देता हूँ, या फिर मैं इस तरह के डिज़ाइन में कर लेता हूँ और यहाँ से बैक करता हूँ। एक बार प्ले करके आपको और दिखा देता हूँ। इमेज के साथ जो भी आप इफ़ेक्ट यूज कर सकते हैं या फिर जो कुछ भी कर सकते हैं, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। इस तरह से आप अपने इमेज को ऐड करके अपनी वीडियो में अपनी वीडियो को और भी ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं। स्टेप नंबर 18। इस स्टेप में हम जानेंगे कि हम अपनी वीडियो में इमेज, टाइटल, टैक्स और स्टिकर और ये हैंडराइटिंग वगैरह और जो भी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे उसको आप मूविंग इफेक्ट कैसे दे सकते हैं या फिर सारी चीज़ों को अपनी वीडियो में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको उस वीडियो को यहाँ पे लाना है जिस भी वीडियो में मतलब आप ये सारी चीज़ें जैसे टाइटल वगैरह और ये स्टिकर वगैरह लगाना चाहते हैं। तो सिंपल मैं किसी भी वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये वीडियो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब शुरू में समझते हैं, यहाँ पे अगर आप एक फ़ोटो लाना चाहते हैं तो फ़ोटो के लिए आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से मैं एक एसेट का फ़ोटो उठा लेता हूँ, या काइन मास्टर मुझे कोई इमेज मिल जाए तो मैं उठा लूँगा। गाइस ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो इंपोर्ट कर लिया है। ये वही फ़ोटो है जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था यहाँ पर फ्रीज करने के लिए। तो फिलहाल जो भी है ये आपको बताना है, इसलिए मैंने यही फ़ोटो इंपोर्ट कर लिया है। सबसे पहले अगर आप किसी भी फ़ोटो स्टिकर को मतलब कि क्रॉप करना चाहते हैं, तो क्रॉप करने के लिए आपको यहाँ पे क्रॉपिंग का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आप जो है फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं फ़ोटो क्रॉप हो चुका है, इतना फ़ोटो मैंने यह ले लिया है। आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो इतना बचा है। अब इस फ़ोटो को आप मूव कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक ये फ़ोटो है और इधर से ये इधर लाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, इस पर क्लिक करेंगे। ये एनिमेशन के नाम से एक ऑप्शन है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको लेयर पे इस इमेज के हल्का सा आगे की ओर स्क्रॉल करना है और प्लस आइकन पे क्लिक कर देना है। अब आपको इस पर क्लिक करना है, आगे की ओर मतलब स्क्रॉल करना है और इस फ़ोटो को उठा करके हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। देखो मैं यहाँ पर इसको लेकर के आ गया। उसके बाद आपको लास्ट में जाना है लेयर की और फिर से आपको इस इमेज को सेंटर में लेके जाना है, मतलब कहीं पे भी लेके जाना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। सेंटर में अगर आप ले जाएंगे ये डॉट लगाने के बाद, तो यहाँ पे क्या डॉट हो चुके हैं, शुरू का डॉट आपको लगाना पड़ता है खुद यहाँ से, और बाकी के जो डॉट है वो ऑटोमेटिक भी लग जाएंगे अगर आप थोड़ा सा भी मूव करेंगे फ़ोटो को अपने हाथ से। तो अभी देखिए ये फ़ोटो किस तरह से एक्टिविटी करेगा। जैसे जैसे आपने ठा करके यहाँ पे रखा है ना, वैसे ही वैसे ये एक्टिविटी आपके सामने करेगा। अभी मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। इसकी साउंड को पहले मैं बंद कर लेता हूँ, अभी प्ले करके आप देख लीजिए। ये देखो कितने अच्छे से मतलब यहाँ पे ये मूव कर रहा है और ये इफ़ेक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस इफ़ेक्ट को आप अपनी वीडियो में भी यूज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इसकी स्पीड स्लो करनी है तो सिंपल इस पर क्लिक करना है और इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है इस तरह से। अब ये जो है आपका थोड़ा और धीरे धीरे चलने लगेगा, जो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। और इस तरह से आप कोई टैक्स हो, स्टिकर हो या फिर कुछ भी हो, आप जो है मूव करा सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इस इमेज को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टिकर वाले बटन पे और यहाँ से गाइज मैं एक स्टिकर ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये बर्गर वाला स्टिकर लिया और बर्गर वाला इसकी स्टिकर मैंने ऊपर की साइड रखने के बाद यहाँ पे मैंने आगे की ओर स्क्रॉल किया हल्का सा इसको, और यहाँ पे मैंने चाबी वाले बटन पे फिर से क्लिक कर दिया। और यहाँ पे आप देख लीजिए अभी जो है यहाँ पे ये डॉट अभी चमक नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसको आगे करना होगा। अभी ये यहाँ पे प्लस वाला चमकने लगा है। तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। एक बार जैसे आप क्लिक कर देंगे तो फिर जो है आपको इसको आगे की ओर स्क्रॉल करना है। इस तरह से स्क्रॉल जब आप इसको कर लेंगे तो सिंपल है गाइज, आपको जो है यहाँ पर इस इमेज को उठा के नीचे की ओर रख लेंगे। नीचे रखने के बाद इसको जो है फिर से आगे की ओर स्क्रॉल करेंगे और अब आप इसको जो है सेंटर में रख देंगे। अभी इसी प्रकार एक्टिविटी करेगा जैसा कि हमने अभी इसके साथ किया है। अभी प्ले करके आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी लगती है ये एनिमेशन, इतनी स्मूथ होती है इसकी काइन मास्टर में कि आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पर भी ये अच्छी लग रही होगी। स्टेप नंबर 19। इस स्टेप में हम जानेंगे कि हम अपनी वीडियो में रनिंग टैग्स कैसे लगा सकते हैं।
रनिंग टेक्स्ट कुछ वीडियो में नीचे लगाए जाते हैं, जो इस साइड से आने के बाद वीडियो में इस साइड को, या फिर इस साइड से आने के बाद वीडियो में इस साइड को भी आप लगा सकते हैं। देखो, जिधर से आपको अच्छा लगे उधर से आप टेक्स्ट को मूव करते हुए लगा सकते हैं, बट मेरा काम सिर्फ आपको बताना है, तो मैं आज आपको ये बताऊँगा। तो सिंपल, उसके लिए आपको क्या करना है, वो वीडियो इम्पोर्ट करनी है जिस वीडियो में आपको रनिंग टेक्स्ट लगाने हैं। तो यहाँ पे रनिंग टेक्स्ट लगाने के लिए आपको लेयर वाले बटन पे क्लिक करना है और वही आपको सबसे पहले टेक्स्ट लेने वाला प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, गाइज ये देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे आ चुका है। पहले हम इसका कलर चेंज करते हैं, कलर वाले बटन पे जाएंगे और यहाँ पर आप जो है इसका कलर ब्लैक रखेंगे, ब्लैक कलर रखेंगे। ब्लैक कलर रखने के बाद आप जो है इसको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पे आएंगे, बैकग्राउंड कलर पे आएंगे और यहाँ पर इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, फुल विथ बैकग्राउंड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड जो है पूरी वीडियो में आपका जो है फुल हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, नीचे की ओर इसको टा करके लाना है और इधर साइड में जो है इसको रख देना है, लेकिन उससे पहले आपको इस पर क्लिक करना है और इसको जो है येलो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का जो कलर है वो येलो कर लेंगे। इस तरह से येलो बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से बैक हो जाएंगे और बैक होने के बाद आपको जो है यहाँ पर इसको इस तरह से हाइड कर देना है। अभी आपको जो हल्का सा इसको दिखा करके रखना है, देखो हल्का सा, बहुत हल्का सा ये दिखाई दे रहा है, ये इसका रीज़न है जो मैंने दिखाया है। अभी आपको क्या करना है, इस वाले बटन पे क्लिक करना है और इस टेक्स्ट को हल्का सा आगे की ओर करना है और प्लस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपको जो है इस लेयर के लास्ट में आना है और लास्ट में आने के बाद आपको इस टेक्स्ट को यहाँ से उठाना है, प्लस वाले आइकन पर फिर से क्लिक करेंगे और इस टेक्स्ट को यहाँ से उठा लेंगे। इस तरह से उठाने के बाद आप इसको ले जा कर के रख देंगे लास्ट में। अभी आप देख सकते हैं मैंने जो है इधर की साइड में ला करके बिल्कुल इसको हाइड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब स्टार्टिंग में जाएंगे और इसको प्ले करके देखेंगे तो ये टेक्स्ट कुछ इस प्रकार से चलेगा। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये टेक्स्ट अभी स्पीड से चल रहा है, जो हमें जो है समझ में भी नहीं आ रहा है कि लिखा हुआ क्या है। तो इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसकी स्पीड को स्लो करने के लिए इसको बढ़ा लेंगे और इसको हम डिलीट कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पर हमने जो है इस लेयर पे पूरी पे इसको कर लिया। अभी इसको प्ले करके देखते हैं तो ये जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे टैक्स आता हुआ दिखाई देगा। आपने इस तरह के टैक्स चलते हुए न्यूज वाली वीडियो में या फिर टैक वीडियो में बहुत ज़्यादा देखे होंगे। यहाँ पे आप इस तरह से और भी टैक्स ऐड कर सकते हैं, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था। ये इफ़ेक्ट आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्टेप नंबर 20, इस स्टेप में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब अपनी वीडियो को आप अपने मोबाइल की गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत मेरी लगी है और मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक लाइक देकर मेरा मनोबल बढ़ाएं और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आगे भी अगर आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो में जो कुछ भी छोटे मोटे स्टेप रह गए हैं या फिर छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं तो मैं आगे आपको कंटिन्यू बताता रहूंगा काइनमास्टर के बारे में। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है, वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है, कंटिन्यू मैं आपको डेली कुछ ना कुछ बताता रहूँगा, आपकी नॉलेज को बढ़ाता रहूँगा। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बार बार लेकर के आता रहूँगा। तो गाइज ये एक लास्ट स्टेप है, ये आपको कैसे कंप्लीट करना है, वीडियो एडिट करने के बाद आपको अपनी गैलरी में कैसे सेव करनी है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब आपकी वीडियो कंप्लीट एडिट हो जाती है तो आप उसको अपनी गैलरी में कैसे सेव कर पाएंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर एक बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ क्वालिटी दिखाई देंगी, किस क्वालिटी में आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट यानी कि अपनी मोबाइल की गैलरी में सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 4K 2160p में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, 30 पे ही रहने देना है। और इसकी हाई, ये मैंने हाई पे करके रखा है बिल्कुल, आप इसको हल्का फुल्का लो भी कर सकते हैं, बट अगर आप वीडियो को
कम MB में बनाना चाहते हैं, अपनी वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो यहाँ से ज़्यादा कम ना करें, हो सके तो यहाँ पर रखें। और मैं तो अपनी वीडियो को हमेशा फुल पर ही रखता हूँ। इतना काम करने के बाद आपको सेव एज गैलरी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ये वीडियो आपकी एक्सपोर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। सेविंग यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये वीडियो सेव नहीं करनी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दिल से आपसे विनती है कि आप जो है एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।